एडब्ल्यू साहब ये कर दिया, ये जो डंगा है ना इन्हें इसने पर मिट्टी छटी नहीं, डंगा बिल्कुल फटे नहीं। देखो ये सब इतना बड़ा जी जी क्या करी सकना कि इसमें जी अस उसे की मानने लेकिन ये एज ए बजरी ना यूज होनी चाहिए ना, कंस्ट्रक्शन में नहीं होनी चाहिए ना। ना ना बिल्कुल नहीं, तू देखो ऊपर ऊपर से आज तुम कलवर दसा कि उठा देखो कितनी खाली इसने बारे डाली है, देखो इतनी बड़ी जगह इस्तेमाल कर ले मतलब सारे मैटर मैटर बांगा बीच में बस ठीक नहीं है। ओ मुश्ताक के आम एक किलो मैं दसना इसने इसने मशीन ना जिला सीधी कितनी है ना उसने नाल के लगना इसका वाल इस नाल ही डैमेज है अपना वजन ना देखिए पिछले एक हफ्ते से इस इलाके के लोगों से हम बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही थी कि ठेकेदार की जानिब से जो है वो इससे जो इस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस सड़क का अंडर PMGSY उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो उसी शिकायत को लेकर हम दानू जो है वो परसों इस इलाके में गए थे, वो देखा था आपने हमारे वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया साइट्स पे देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया था जिसमें कम क्वालिटी जो है वो इसकी बजरी की या उसके बाद सीमेंट की इस्तेमाल की गई थी। उसी को लेकर जो है हमने जब कंसर्न डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स से और क्या कहते हैं एक्शन साहब से बात की तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि कल हम मीटिंग की वजह से नहीं गुजरे, कल मीटिंग की वजह से नहीं आ सकते हैं तो आज हम ज़रूर आएंगे। वो सुबह 10 बजे से आए हुए थे, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सफ़ीर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और जूनियर इंजीनियर भी तशरीफ़ लाए थे। हमने यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर कटेमार तक जो है इस इलाके की विज़िट की है और डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर आर वाल या बी वाल का काम चल रहा था या उसके बाद कंक्रीट का काम चल रहा था, कलवर्ट बन रहे हैं या ह्यूम पाइप कलवर्ट थे, सारी जगहों पर उनको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है लोगों की शिकायत हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है सड़क के किनारों पर लोग भी खड़े थे, उन्होंने भी बताया कि हमारी ज़मीनों को कहाँ पर खतरा है, हमारे घरों को कहाँ पर खतरा है और ये हमारे लिए कितनी परेशानी का बायस बन सकता है। उन्होंने जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ रابطہ करके मौके पर जो है लोगों को यकीन दहानी कराई है और 10 दिनों की डेडलाइन जो है वो डिपार्टमेंट ठेकेदार को दी है कि 10 दिनों के अंदर अंदर रेक्टिफाई करके जहां जहां पर कोई डैमेज पोर्शन है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा और सड़क जो है उसको भी 7 मीटर की चौड़ाई से जो है वो तैयार किया जाएगा। हम डिपार्टमेंट के मशहूर हैं कि उन्होंने छोटी सारी कॉल पर हमारी बात सुनी और ये हमें यकीन दहानी कराई और आवाम को यकीन दहानी कराई है कि हर रोज़ हमारे डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कंसर्न इंजीनियर या हमारा सुपरवाइज़र इस सड़क पर जो है अपनी मौजूदगी में काम करवाएगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं और ये आवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि इस काम में हम बारीक बीनी से जो है डेली बेसिस पर इस पर विज़िट करेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये काम बहुत कायदे का होगा और बहुत शानदार होगा। थैंक यू तब्रेज़ भाई, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ चले आज। देखो डिपार्टमेंट ने हमें आज क्लियर कह दिया है कि जहाँ जहाँ पर कोई फॉल्ट था उन्होंने उनको डायरेक्शन दिया कि इसको इमीडिएटली रिमूव करो और नया तमीर करो, नंबर एक। उसके बाद मेरी यहाँ की जो लोकल आवाम है, दरहाल की पूरी आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खुदा रहा जहाँ जहाँ आपके मोहल्ले में आपके गाँव में जो जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन पर नज़र रखें आप, ये आपकी चीज़ें हैं, ठेकेदार ने कल बना के निकल जाना है, ये चीज़ें आपकी लाइफ टाइम है, कल आपने चलना यहाँ से। लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उन कामों को देखो और उन पर नज़र रखो कि कहीं कोई फॉल्ट ना हो, बस ये है।